एक फोन बहुत ही ज्यादा ऐसे भाई चर्चा के अंदर है और काफी टाइम बाद एक ऐसी ब्रांड आई है जिसने भाई इतनी हाइप क्रिएट कर ली दोबारा से। और मैं बात कर रहा हूँ भाई इन्फिनिक्स GT10 Pro की। ये वाला स्मार्टफोन अभी थोड़े टाइम पहले लॉन्च हुआ है और भाई इस वाले फोन ने इतनी ज्यादा भसड़ मचा दी मार्केट के अंदर, काफी लोगों मन है भाई इस फोन को लेने का और भाई लोग ले भी रहे हैं इसको। तो भाई देखो हम लोग इस फोन को लॉन्च से पहले से यूज कर रहे हैं और भाई इसके अंदर हमने अपनी सिम विम सब डाल रखी है और आज भाई फाइनली मैं इसका रिव्यू देने जा रहा हूँ कि भाई ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या है भाई इसके प्रोस कॉन्स, क्या है इसमें दिक्कत है। आज जो इस फोन का सारा खुलासा हो जाएगा भाई फोन अंदर से कैसा है, इसके अंदर की जो बुनियाद है वो कितनी तगड़ी है। और उसके साथ साथ भाई अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल को बना रहे हो तो डेफिनेटली भाई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज भाई कमेंट्स का जो हम एम रख रहे हैं करीब करीब 400, तो भाई 400 कमेंट्स प्लीज करवा देना जल्दी जल्दी, मजा आ जाएगा। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। बढ़िया, सबसे पहली चीज मुझे पता है भाई आप लोग बोलोगे भाई इस फोन का ये बेहतरीन चीज कैसी लगी। देखो भाई ये है भाई फोन का डिजाइन कुछ इस तरीके का, ये इनका ना साइबर मेका डिजाइन है जो कि साइबर पंक से भाई काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। और बेसिकली इन्फिनिक्स का कहना है कि भाई ये जो है इनका गेमिंग स्मार्टफोन है अंडर 20,000। तो भाई उस हिसाब से अगर आप देखते हो ये फोन आपको गेमिंग वाइज पूरी पूरी देता है। इसके अंदर आपको यहाँ पे 5 LEDs का सेटअप देखने को मिल जाता है जो कि भाई नोटिफिकेशन जब आती है हल्की सी ब्लिंक होती है, चार्जिंग पे लगाते हो जब ब्लिंक होती है, ना ये चार्जिंग में परसेंटेज बताता ना नोटिफिकेशन में बार बार ब्लिंक होती है, बस थोड़े टाइम के लिए ब्लिंक होती है उसके बाद बंद हो जाती है। तो ये थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, मतलब गेमिंग वाइब इसमें पूरी पूरी है, उसकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और भाई इसका डिजाइन इतना तगड़ा है कि हम लोग अभी थोड़े टाइम पहले जब इसको टेस्ट कर रहे थे, हम लोग मार्केट में लेके गए तो भाई लोग भाई मुड़ मुड़ के देख रहे हैं फोन कौन सा है और लोग भाई लिटरली हमसे आके पूछ लगे भाई ये फोन कौन सा लॉन्च हो गया, कौन सा ले रखा हाथ में, कहीं अलग ही तो नहीं है। तो भाई हमने उनको बताया और भाई काफी लोग ना शौक होगा भाई काफी ज्यादा अलग डिजाइन है। तो भाई अच्छा लगा आप लोग वीडियो देख सकते, मैंने चुपके से वीडियो बना ली थी क्योंकि निवेश के हाथ में फोन था ये। बाकी देखो भाई ये फोन जो है गेमर जैसे मैं बता रहा हूँ है ना, तो एक बार रवि से पूछते हैं क्योंकि रवि भाई एक तगड़ा गेमर है बिल्कुल ऐसे प्रो लेवल का। तेरे को कैसा लगा इसका डिजाइन? डिजाइन बहुत अच्छा लगा, एकदम साइबर वाली, मतलब जो साइबर पंक है उसकी फील भी देता है मस्त, एकदम गेमिंग वाइब भी आती है इसके साथ, लोग भी देखने लगते हैं क्या लिए। हाँ अब बात करूँ भाई इसके ओवरऑल लाइक फील इन हैंड फील की, तो देखो भाई इन हैंड फील ना पूरी काफी अच्छी है, पूरा बॉक्सियर फोन है तो डेफिनेटली आपको एक ज्यादा प्रीमियम लाइक एक फील देगा। अगर आप लोग ऐसे बादशाह मानते हो एप्पल को तो भाई यहाँ पे एप्पल का जो 14 है या फिर आईफोन की सीरीज आती है वो पूरी बॉक्सियर होती है, तो ये भी सेम आपको वही वाली फील देगा बॉक्सियर वाली। ऐसे वो मत कंपेयर मत करना, बस बता रहा हूँ कि हाँ भाई इस तरीके के लगते हैं दोनों, ठीक है ना। ये पूरी बिल्ड जो है प्लास्टिक की बट पीछे साइड में यहाँ पे ग्लास यूज करा गया है जो कि दिखने में मैंने आपको बताया अलग लगता है और कुछ कैमरा मॉडल इस तरीके से प्लेस है। आप देखो डिजाइन सब्जेक्टिव होता है, सबके अपने ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मुझे ये पर्सनल डिजाइन थोड़ा डिफरेंट लगा, इंटरेस्टिंग लगा और मुझे थोड़े से ऐसे पसंद है, थोड़े से फंकी टाइप फोन। तो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लोग यूज कर सकते हो, बाकी कवर लगाने का ऑप्शन तो है ही अगर ये चीज नहीं पसंद आती आपको, क्योंकि इस फोन में यही नहीं खास है क्योंकि इसमें मिलती है हमारे को IP53 की रेटिंग। हाँ भाई हाँ 20,000 के अंदर IP53 की रेटिंग मिल जाए थोड़ा बहुत पानी वानी गिर जाए कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे इस फोन में मिलती है हमारे को NFC का सपोर्ट मिलता है, तो आप लोग टैक्स वैक्स का यूज कर सकते हो, GPay पे करना चाहो कर सकते हो, तो ये एक अच्छी चीज आती है। और एक और फैक्टर होता है जब लाइक ओवरऑल फील की बात आती है वो है भाई हैप्टिक्स। अब हैप्टिक्स ना आपके एक ओवरऑल एक्सपीरियंस को अच्छा कर सकते हैं बुरा कर सकते हैं, इसके बीच में कुछ होता नहीं है। इसके जो हैप्टिक्स है ना, अगर मैं 20,000 की रेंज में अगर बात करूं तो भाई वन ऑफ द बेस्ट है, बहुत ज्यादा सटल और बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपको पूरा तगड़ा वाला लाइक एक फीडबैक देते हैं, मेरे को कोई शिकायत नहीं है। देखो यार जब भी मैं कोई फोन रिव्यू करता हूं मैं उसके प्राइस को बहुत ज्यादा ऐसे दिमाग में रख के रिव्यू करता हूं, बिकॉज यार ऑब्वियसली कि हर एक सेगमेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा ना। मैं बोलूंगा 20,000 मेरे को 1,00,000 वाला फीचर दो तो ऐसा हो नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मुझे लगता है कि 20,000 के हिसाब से इसके हैप्टिक्स बहुत अच्छे हैं। सेकंड बात आ रही डिजाइन के बाद डिस्प्ले, ये एक बहुत मेजर एस्पेक्ट होता है किसी भी फोन का, ठीक है, क्योंकि आप जो पूरा दिन को जिस चीज को देखोगे वो होती है डिस्प्ले। डिस्प्ले अच्छी हो जाए तो मजा आता है। 6.7 इंच 120Hz का एक फ्लेक्सिबल एमोलेड पैनल इस फोन में लगाया गया है। अब फ्लेक्सिबल एमोलेड थोड़ा सा वियर्ड सा लगेगा आपको, क्या है भाई ये फ्लेक्सिबल एमोलेड? बेसिकली क्या करता है कि जो डिस्प्ले है वो फ्लेक्स हो सकती है, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो बेजल्स हैं वो छोटी हो जाती है। इसका ना ओवरऑल जो बेजल साइज है वो काफी ज्यादा आपको यूनिफॉर्म लगेगा, जिस वजह से स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफी बढ़ जाता है। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी कि ना आपको यूनिफॉर्म से बेजल लगेंगे चारों साइड इस फोन के अंदर, जो डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंस को इधर से इधर ले जाएंगे। और ये चीज ज्यादा इसलिए भी अच्छी क्योंकि यार देखो जब हम कोई भी ऐसे बजट सेगमेंट देखते हैं उसके अंदर मोटी मोटी चिन्स आती हैं, अजीब अजीब सा रहता है, तो वो चीज इसमें नहीं है। अच्छा लगा मुझे, एक बोलना चाहूंगा सबसे पंच होल कैमरा मिल जाता है। अब डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूं तो आप लोगों को यहाँ पे वाइड 1L1 का सपोर्ट मिल जाता है, तो जिससे कि आप लोग प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स के अंदर भाई अपना बढ़िया फुल HD कंटेंट प्ले कर सकते हो। ये फोन जो है यूट्यूब के अंदर HDR वीडियोस 4K के अंदर आराम से प्ले कर लेता है और पीछे कोई लैग भी नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हो ये है भाई एक 4K HDR 60fps वाली वीडियो जो कि किसी भी स्मार्टफोन के लिए प्ले करना मुश्किल होता है। आप देख सकते हो यूट्यूब फुल टू 4K HDR 60fps में प्ले कर रहा है वीडियो, एंड अगर मैं इसको मिनिमाइज करके यहाँ पे स्क्रॉल करता हूं आप देख सकते हो काफी ज्यादा स्मूथ है। और एक चीज आप लोग ध्यान देना, इसकी जो बैटरी है वो 3% पे भाई बिल्कुल ऐसे आप कह लो डेड होने के घर पे, लेकिन फोन अभी भी भाई पूरी पूरी जान दे रहा है, तो एक अच्छी चीज है। लेकिन एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जैसे इस फोन की बैटरी 20% नीचे आती है तो जिसकी स्क्रीन की रिफ्रेश रेट है वो 60Hz पे अपने आप शिफ्ट हो जाती है, 120Hz पे ये नहीं चलता 20% से नीचे आने के बाद। तो ये एक थोड़ा सा सॉफ्टवेयर लॉक है जो आपको देखना पड़ेगा, जो कि फिर से यार मैं बोलूंगा कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है कुछ लोगों के लिए बुरा हो सकता है। अब जैसे जिसको बैटरी बचानी तो उसके लिए अच्छा है क्योंकि अगर कहीं फंसा हुआ और 20% नीचे आ जाएगी तो मतलब 60Hz में बैटरी थोड़ी ज्यादा लंबा दे देगा आपको। बट भाई जो लोग भाई परफॉर्मेंस के से 64 होते हैं उनको तो भाई बिल्कुल फुल टू, जैसे कि मैं, मेरे को तो भाई 4K 120 जो डिस्प्ले दे दो मैं सारी फुल उसमें यूज करता हूं चाहे बैटरी है बाहर में, क्योंकि मैं यार अपने साथ पूरा पावर हाउस लेके चलता हूं।
मजाक की बात साइड में, लेकिन स्पीकर की अगर बात करें क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आप कंटेंट वॉच करो जब ऑनलाइन, तो स्पीकर्स भी अच्छे होने चाहिए। तो स्पीकर्स मुझे अच्छे लगे, यहाँ पे हमारे को स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है जो कि लाउड काफी ज्यादा सही है। बस वो ये थोड़ा सा आपको डेप्थ कम मिलेगी, वो बेस की कम मिलेगी, लेकिन हाँ ठीक है लाउड सही है। अब डिस्प्ले में एक चीज बहुत खास है इस सेगमेंट के अंदर, वो है भाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जिसकी स्पीड आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा फास्ट है, उसमें कोई इशू नहीं आता फोन के अंदर। एंड साथ ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भाई आजकल के टाइम पे हमारे फोनों में मिलनी चाहिए, वो है भाई 5G की कनेक्टिविटी। जैसे आप लोग देख सकते हो इसमें हमने जियो की सिम डाल रखी है, एंड इसमें फुल टू 5G भाई हम लोग यूज कर रहे हैं, और भाई कोई भी दिक्कत नहीं, इसमें 14 5G बैंड्स मिलते हैं जो कि भाई नेसेसरी होते हैं आजकल के टाइम पे, जितने चाहिए वो सारे इसमें मिल रहे हैं। 5G आराम से लगेगा, कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, 4G LTE का सपोर्ट मिल जाता है, तो बढ़िया आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम लोग भाई इतना फोन को यूज करते हैं कि भाई अभी वीडियो बनाते बनाते इसकी बैटरी लो गई, 2% लागत मैंने बोला यार बंद हो जाए, बढ़िया कि चार्ज लगा लो, पावर बैंक लगा लिया। तो बात करते हैं भाई अब एक और चीज की, वो है भाई परफॉर्मेंस। यहां पे भाई इसमें यूज करा गया MediaTek Dimensity 8050 प्रोसेसर। अभी जो प्रोसेसर है ये आप कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है जो कि कोई आपको अंडर 20,000 दे सकता है, ठीक है। अब देखो ये फोन जैसे कि बताया गेमिंग के लिए बोला गया, तो हमने इसकी गेमिंग वाली टेस्ट पूरी हमने सेकंड चैनल पर डाल दी था, आप लोग चेक कर सकते जाके, पूरा फुल टू BGMI टेस्ट है वो। और भाई बजाक से हटके इस फोन के हमारे को 90 FPS BGMI का सपोर्ट मिल रहा है, जो कि सिर्फ चकरा देने वाली खबर है। मैं देख के ना भाई सच में हैरान हो गया, तो भाई ये क्या कर दिया। तो 20,000 के नीचे आप लोग कह सकते हो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन अगर आप लोग गेमिंग करना चाहो। भाई CPU की अगर बात कर रहा हूं जैसे कि परफॉर्मेंस की, तो यहां पे Antutu हो गया, Geekbench हो गया, भाई Antutu आ रहा है 8 लाख का, हमारा Geekbench भी तगड़ा आ रहा है। इवन जो CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट हमने करा, ये प्रोसेस थ्रॉटल भी नहीं करते, इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत वेपर चैंबर वाली चीज भी देखने को मिल जाती है, कूलिंग के लिए लगाया गया। तो आपको भाई इस फोन से परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, डे टू डे टास्क भी तगड़े कर ही देगा जब इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो Orbitrix एक चीज बोलती है कि उन्होंने ना सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा काम किया, और ये चीज यार हमारे सामने आई है, इसमें कोई भी आपको ब्लोटवेयर नहीं मिलता पहली बार, सेकंड बार इसके अंदर आपको कोई भी एड्स नहीं मिलती, तो आपका जो एक्सपीरियंस है ना ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहता है। अभी ये चीज इसलिए भी अच्छी क्योंकि हमारे को UFS 3.1 की स्टोरेज मिल रही है, रैम भी सही मिल रही है, और रैम के अंदर जब आप लोग की एप्लीकेशन पड़ी है ना अगर आप लोग उनमें स्विच भी करोगे, ठीक है, उसमें भी कोई स्टटर नहीं आता है। और तीनों चीजों का अगर मिला दें, प्रोसेसर अच्छा, रैम अच्छी और स्टोरेज अच्छी, तो आपको जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन हो काफी अच्छा बनता है, क्योंकि Infinix में आपको देखने को मिला है। एंड अगर आप लोग XOS को अगर आप ऐसे फेमिलियर हो, अगर आप लोगों ने कभी यूज करा, तो आपको सच में पता चलेगा कि कितना ज्यादा पहले से इंप्रूव हो चुका है, डेफिनेटली बोलूंगा। लेकिन यहाँ पे भाई Infinix जो अपडेट्स आने वाले हैं वो बहुत कम है, इसमें सिर्फ एक ही मेजर अपडेट आएगा और 2 साल की सिक्योरिटी आएंगे, तो अगर अपडेट इसमें 2 साल के मेजर हो जाते तो अच्छा लगता, पर चलो कोई नहीं, देखते आगे आके क्या होता है। अब लास्टली यार देखो भाई कैमरास का ना, मैं भाई देखो सच बताऊं ऐसे फैन नहीं होता 20,000 के सेगमेंट के अंदर, यूजुअली ना कैमरास अच्छे नहीं करते हैं परफॉर्म। इस फोन के अंदर हमारे को जो मेन कैमरा देखने मिलता है वो 108 MP का, 2 MP का डेप्थ है, 2 MP का मैक्रो है, ये हमने चीज आपको पहले ही बताई थी। जो फोटोज इससे निकल कर आ रही है वो आप लोग कह सकते हो कभी बार हमारे को फोटो डिफरेंट देखने मिलती है, कभी बार डिफरेंट देखने मिलती है, थोड़ा सा ना ऐसे आप कह सकते हो यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी आपको, कभी बार अच्छी आ जाती है, कभी बार थोड़ी डिफरेंट आती है, बट मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस में मैंने जो नोटिस करा है कि फोटोज काफी अच्छी आ रही है, स्किन टोन पे काफी अच्छा काम करा गया है इसमें, और ओवरऑल आपको थोड़ी रेडिश टोन देखने मिल जाती है इसके स्किन के अंदर, तो लोगों को पसंद आती है, जैसे मेरे को थोड़ी पसंद आती है, स्किन में देखना चाहिए कि हाँ भाई लाल है तो असली में है ना, समझ रहे बात को, तो वो चीज है। बाकी ग्रीन्स को थोड़ा ज्यादा ही ग्रीन कर देता है, थोड़ा सा ओवर शार्पन कर देता है, वो तो सभी कैमरास में ज्यादा रहता है इस सेगमेंट के अंदर, ठीक है। फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, ये जो है 32 MP का है। अब यहाँ पे भाई ये फ्रंट में जो है मस्त वाली सेल्फीज खींच लेता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, जो शार्पनेस होती है वो थोड़ी सी लैक करता है, और जो स्किन है उसके अंदर भी ना कलर में को डिफरेंट लगे इसके बैक और फ्रंट कैमरा में, तो ये चीज है जो मुझे लगी। और साथ ही में भाई जो फ्रंट कैमरा वो 2K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, और पीछे वाला 4K 30 FPS, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और कहीं भी आपको वॉइस नहीं मिलता, जो स्टेबिलाइजेशन कुछ इस तरीके की आती है और क्वालिटी आपको पता चल जाएगी। ये है भाई इसके फ्रंट कैमरा से वीडियो, अगर हम बिल्कुल लाइट में आ जाए तो कुछ इस तरीके की आती है, बिल्कुल अगर शेडो में चले जाए तो कुछ इस तरीके की आने लग जाती है, तो आपको यहाँ पे दोनों तरीके का अंदाजा पता चल जाएगा। 4K 30 FPS वीडियो काफी ज्यादा स्टेबल कुछ इस तरीके की आती है, क्वालिटी सही है, लाइक बिल्कुल यहाँ पे डार्क पार्ट है देख सकते हो, वहाँ पर भी सही आ रही है, यानी ये हाथ फोकसिंग भी ठीक है। अब लास्टली भाई फोन के अंदर बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इतनी सारी जो पावर है, इतनी सारी चीजें जो अच्छी लगी है हमारे को, उन सबको अगर मद्देनजर रखें तो भाई बैटरी भी अच्छी होनी चाहिए। हमारे को 5000 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है, साथ ही साथ 45W का चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल रहा है, जो कि एक और अच्छी बात है, ठीक है, ब्रांड आपको बता सकते क्या करती है, वो चूना लगा दिया, तो इसमें वो चीज तो हो रही है। और अगर बैटरी लाइफ की बात करो तो आराम से ये फोन 7 घंटे का SOT दे रहा है ऑन अ नॉर्मल यूजेज। और अगर आप लोग भाई हमारी तरह से कुछ ज्यादा इंटेंस काम करते हो, तो हमने क्या किया भाई कल इसके अंदर फुल टू मस्त तरीके से, तो हमारा जो बैटरी यूजेज आप देख सकते हो भाई काफी इंटरेस्टिंग सा था, क्योंकि इसमें हमने क्या किया भाई ये फोन 70-80% पे था कल, और हमने पूरी रात इसमें हॉटस्पॉट ऑन रखा भाई 5G के ऊपर, और आप लोग देख सकते हो जो हमारे को स्क्रीन टाइम मिला है फिर भी 3 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली मिला है, जिसके अंदर 2 घंटा ऑलमोस्ट यूट्यूब देखा है, और आप देख सकते हो मोबाइल नेटवर्क 6 घंटे 56 मिनट, 7 घंटे तो इसने बैटरी खींची है। देख सकते हो यहाँ पे जो हॉटस्पॉट जो हमने बिल्कुल अलग के सिनेरियो अपनाया उसमें भी कितना अच्छा फोन ये काम कर गया है। तो आप लोग नॉर्मल यूज करोगे तो भाई 7 घंटे का आराम से देगा, और हमने ये 7 घंटे पहले भी निकाले, बट वो अपडेट है हमारे पास है नहीं, क्योंकि रीसेट हो जाता है ना हर बार, और स्क्रीनशॉट लेना तुम्हारा भाई भूल जाता है, 10 तो नहीं बदाम खाए नहीं बचपन में, समझ रहे हो।
और गेमिंग में अगर आप लोग देखोगे तो अराउंड 4.5-5 घंटे का आपको SOT मिल जाएगा इस फोन से, जो कि मेरे हिसाब से बहुत है। और फोन के अंदर आपको बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, छोटी छोटी जैसी चीजें हैं गेमिंग के अंदर जो आपको एनहांसमेंट देंगी। ऑब्वियसली ये फोन मेरे को लगता है कि अच्छा वेल पैकेज दिया गया इन्फिनिक्स की तरफ से। अगर आप लोग एक डिफरेंट ब्रांड का फोन लाइक अपनाना चाहते हो, अगर आप लोग 20,000 के नीचे ओवरऑल अच्छा फोन ढूंढ रहे हो, इन्फिनिक्स ने इस बार अच्छा काम किया G10 Pro के अंदर, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। रिव्यू के अंदर हमारे को भाई फोन पसंद आया है। अगर आपको भी कोई ऐसे लाइक क्वेरी है, कुछ भी कमेंट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप लोग भाई नीचे कमेंट में डाल देना, हम लोग ऑब्वियसली आपसे बात बात करेंगे। बढ़िया देखिए भाई चारा अपना बढ़िया आपको बता देंगे, ठीक है। बस यार ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके गाइस बाय।